बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट डे को जियो का यूनिट 9 डिस्कस किया था और लेक्चर नंबर 7 था। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और आज का जो हमारा टॉपिक है पेज नंबर 73, टॉपिक है जियोग्राफिकल फैक्ट्स विच प्रमोट डेवलपमेंट। के वो जियोग्राफिकल फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे जो डेवलपमेंट पे असर करते हैं, इफेक्ट करते हैं और उसको जो है वो चेंज करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप जो है वो पेज नंबर 73 के हेडिंग में अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स ये डेफिनेशन है, द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स अपॉन नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ये ब्रैकेट करें और इसको ये डेफिनेशन को अंडरलाइन करें। ये डेफिनेशन है क्या कि डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स अपॉन नेचुरल रिसोर्सेज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। दो ही तरीके होते हैं जिससे कोई मुल्क तरक्की कर सकता है, तरक्की याफ्ता बन सकता है। या तो उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हो, ऑयल है, गोल्ड है, गैस है, इस तरह डिफरेंट किस्म के मिनरल्स हैं जो नेचुरली मिलते हैं। मसलन जिन ममालिक के पास ऑयल है उनके पास बहुत पैसा, जैसा कि अमेरिका है, सऊदी अरेबिया है, वो डिवेलप कर गए अपने आप को क्योंकि उनके पास ये रिसोर्सेज। अच्छा, दूसरी चीज़ या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज हों और वो भी डेवलप्ड हो, सिर्फ भेड़ बकरियों की तरह बहुत ज़्यादा आबादी ना हो बल्कि वो आबादी ट्रेंड हो, एजुकेटेड हो, स्किल्स हों उसके पास, टेक्निकल स्किल्स हों उसके पास, नॉलेज हो और वो खुद से कुछ ऐसा बनाए जैसा कि इंडस्ट्री हो। अब जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, वो तो ज़मीन से कुछ उगा भी नहीं सकता, उसको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बाहर से लेनी पड़ती है। लेकिन उसने क्या किया, दूसरा पोर्शन तैयार किया कि उसके पास जो लोग थे उसको उसने ट्रेन किया और उसको स्किल डेवलपमेंट दी और तरक्कीयाफ्ता बन गया। उनके पास ना ऑयल है, ना सोना है, ना चांदी है, ना ज़मीन है। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। फिजिकल जियोग्राफी इन्फॉर्म्स अस अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी। जो फिजिकल जियोग्राफी होती है किसी इलाके का, जो जियोग्राफी होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो हमें बताता है कि इस मुल्क के अंदर क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें, ये हमें जियोग्राफी बताएगा कि माउंटेन्स हैं या सी है तो उनमें क्या क्या मौजूद है। वाइल ह्यूमन जियोग्राफी गाइड अस अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जबकि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसके लिए भी हमें ह्यूमन जियोग्राफी यानी इंसानों का मुताला करके पता चलेगा कि इस मुल्क के अंदर जो लोग हैं वो कितने फायदा पहुंचा सकते हैं उनको कौन को। The development of a geographical region is impossible without proper planning and the resources. किसी मुल्क का जो तरक्की है, development है, वो इन दो resources के अलावा possible नहीं है। या तो आपके पास natural resources हों या फिर आपके पास human resources हों और ये develop हो तो इंशाल्लाह तरक्की हो सकती है। अब हमने देखा नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। अगली जो दो हमारी हेडिंग्स हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में है। नेचुरल रिसोर्सेज, ये दोनों टॉपिक्स, ये दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट रखनी है आपने। ह्यूमन रिसोर्सेज की दोनों लाइनें हाईलाइट करें, याद करनी है आपने। ह्यूमन रिसोर्सेज की दोनों लाइनें हाईलाइट करें, आपने लर्न करनी है। Natural resources are those resources which are created by the nature
एज लोकेशन, जियोग्राफी, वाटर रिसोर्सेज, ओशन, रिवर, माउंटेन्स, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, सॉइल फर्टिलिटी, पावर रिसोर्सेज, पेट्रोलियम, कोल, गैस, मिनरल रिसोर्सेज, आयरन, गोल्ड, ईटीसी। ये मैं एक्सप्लेन करता हूं। नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच आर ब्लेस्ड बाय द गॉड, विच आर ब्लेस्ड बाय द नेचर। आपके इस पैरे में भी डिफाइन किया है उसने, नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड बाय द नेचर। ये है डेफिनेशन नेचुरल रिसोर्सेज की। अब इसकी एग्जांपल भी देनी है। इसके एग्जांपल के लिए आए, फॉर एग्जांपल लोकेशन, किसी मुल्क को जो लोकेशन मिली है वो भी काउंट करती है, उसका जो जियोलॉजी, उसका जियो क्या है, उसका जियोग्राफिया क्या है, वाटर रिसोर्सेज उसके, यानी उसके रिवर्स, चश्मे, दरिया, ओशन, रिवर्स, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जंगली जो जंगल है उसको कैसे मिले हैं, पहाड़ों पर कैसे जंगलात हैं, मैदान में कैसे जंगलात हैं, साथ है रिसोर्स है बहुत बड़ा, सॉइल फर्टिलिटी, जमीन की जरखेजी। अब पाकिस्तान में आधा एरिया ऐसा है जो सिर्फ डेजर्ट्स है, जरखेज जमीन नहीं है, लेकिन पंजाब का जो मैदान है वो जरखेज है। पावर रिसोर्सेस एनर्जी के जराए लाइक पेट्रोलियम, कोल, गैस, एंड मिनरल रिसोर्सेस आयरन, गोल्ड, इटीसी। तो ये हैं एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेस की। इनमें से कोई चीज या सारी चीजें अगर किसी मुल्क के पास बहुत ज्यादा हो तो वो मुल्क कहलाएगा डेवलप्ड कंट्रीज। वो बोलते क्या कहलाएगा, डेवलप कंट्री, अगर ये नेचुरल रिसोर्सेज के पास। दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेज को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी पहली लाइन में डेफिनेशन है, बाकी एग्जांपल्स हैं, हाईलाइट कीजिए। ह्यूमन रिसोर्सेज इन प्रेजेंट टाइम, मौजूदा दौर में, द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन is considered as a product of human efforts. This is the definition. In present time, the economic and financial development of a region, किसी एक region की जो economic और financial development है, considered as a product of human efforts, उसको human efforts के एक product माना जाता है। In this connection, इस सूरत में पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी और उसकी आबादी में इजाफा, लिटरेसी रेट, उसका मयारे तालीम, लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट, साइंसी और टेक्निकल तालीम की डेवलपमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, वो अहम किरदार अदा करते हैं। यानी ह्यूमन रिसोर्स में जब हम आते हैं बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि आज के दौर में आबादी का ज्यादा होना बेनिफिशियल नहीं है, बल्कि उसका पॉपुलेट का ग्रो होना, उसका एजुकेटेड होना, लिटरेसी रेट होना, साइंटिफिक होना, उसका टेक्निकल होना, और उसका जो है वो अपने मुल्क के डेवलपमेंट में हिस्सा डालने का शौक होना भी बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। तो ये जो टॉपिक है हमारा जियोग्राफिकल फैक्ट्स विच प्रमोट डेवलपमेंट, वो अवामिल जो किसी एक मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको हमने जो है वो हाईलाइट रखना है। दूसरी चीज के जियोग्राफिकली कौन सी वो चीजें हैं दो जो किसी मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाती हैं, तो वो दो हेडिंग हमने देखी, एक थी नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरी थी ह्यूमन रिसोर्सेज। तो पहले हमने देखा कि वो चाहिए क्या, फिर हमें पता चला दो रिसोर्सेज चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर हमने नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन की और उसके एग्जांपल्स पढ़ी कि कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो किसी मुल्क को डेवलप करते हैं, तरक्की याफ्ता बनाते हैं।
और उसके बाद दूसरा था ह्यूमन रिसोर्सेज। हमने देखे कि कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जो हमारे मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाते हैं, और उसके हमने एग्जांपल्स पढ़े। इसके बाद हम जो है वो बारी बारी देखेंगे इनके प्रॉब्लम्स को। आज की डायरी नोट कीजिए प्लीज। आज की डायरी में आपने इस टॉपिक को कम्प्लीटली, इस हेडिंग को लर्न करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को कम्प्लीट लर्न करना है और हाईलाइट करना है, ह्यूमन रिसोर्सेज को कम्प्लीट लर्न करना है और हाईलाइट करना है, किसी वर्ड को, किसी लाइन को मिस नहीं करना, किसी चीज़ को ड्रॉप नहीं करना, और इसको मुकम्मल तौर पर लर्न करके लिखना है, फिर मुझे व्हाट्सएप करना है। मज़ीद इनके नोट्स और MCQs जो है वो मैं आपको सॉल्व करवा दूँगा इंशाल्लाह, किसी लेक्चर में आपको मुकम्मल गाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।